Assalamu alaikum. I am Zumal Shahzad, and today's topic is Marxism and Communism. तो हम इससे पहले कैपिटलिज्म को स्टडी कर चुके हैं. आज हम देखेंगे कि मार्क्सिज्म क्या है, क्या कहता है, और कम्युनिज्म क्या है और वो क्या बातें करते हैं, उन दोनों में क्या फर्क है. तो सबसे पहले देख लेते हैं कि मार्क्सिज्म है क्या. मार्क्सिज्म एक इकोनॉमिक सोशल सिस्टम है, ठीक है. अब ये सोशल सिस्टम कहाँ से डिराइव किया, कार्ल मार्क्स की थ्योरी से, ठीक है. कार्ल मार्क्स ने जो मार्क्सिज्म का कंसेप्ट दिया था और प्रोलेटेरियट और बोर्जुआसी जो हम मार्क्सिज्म में पढ़ चुके हैं, तो उसी के बेस पे जब हम एक कंट्री को डेवलप करते हैं, उसके इकोनॉमिक और सोशल सिस्टम को, तो वो मार्क्सिज्म कहलाता है, ठीक है. ये थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क बेस्ड, ठीक है, फ्रेमवर्क है जो कि मार्क्स की आइडियोलॉजी पे बेस कर रहा है. मार्क्स की आइडियोलॉजी क्या थी कि एक सोसाइटी में दो क्लासेस हैं, एक वर्किंग क्लास है और दूसरी पावरफुल क्लास है, ठीक है. और पावरफुल क्लास क्या चाह रही है कि वर्किंग क्लास को सब्जुकेट रखना चाह रही है और अपने गोल्स को अचीव करना चाह रही है. जो भी उसकी गोल्स है कि उसका स्टेटस मेंटेन रहे, उसकी पावर मेंटेन रहे, वो सब कुछ, ठीक है. अच्छा, अब इसमें क्या होता है, मार्क्स बहुत अगेंस्ट थे कैपिटलिज्म के. कैपिटलिज्म क्या है कि सरमायादाराना निज़ाम है और कुछ लोगों के हाथ में, जिनके हाथ में दौलत होती है, वो हर चीज़ को कंट्रोल कर रहे होते हैं, ठीक है. तो उन्होंने क्या कहा था कि बुर्जुआजीज़ जो हैं वो अपने दौलत के जो पावर है, दौलत की जो पावर है, उसको इस्तेमाल करके प्रोलेटेरियट्स को सब्जुकेट रखते हैं, ठीक है. और फिर एक क्लास स्ट्रगल जन्म लेती है हार्श सिनेरियोज़ में. तो प्रोलेटेरियट्स क्या चाहते हैं कि बुर्जुआजी से जो उनकी जितनी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो स्नैच कर लें और जो है सारे के सारे सिस्टम को मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी को अबॉलिश करके सारी की सारी मलकियत जो है वो सबकी एक जितनी हो. कम्युनिज्म का कंसेप्ट आ गया, ठीक है. तो हम देखते हैं अल्टीमेटली मार्क्स का जो गोल था वो कम्युनिज्म था, सारी क्लास स्ट्रगल और ब्लडी रेवोल्यूशन के बाद, ठीक है. तो मार्क्स, अकॉर्डिंग टू मार्क्स क्या है कि अ सोशलिस्ट रेवोल्यूशन मस्ट अकर. मार्क्स कहते हैं ये सोसाइटी में जो भी चीज़ें चल रही है ना, इसका एंड एक ब्लडी रेवोल्यूशन होगा. तो वो कहते हैं सोशलिस्ट रेवोल्यूशन तो लाजमी आएगा, जिससे क्या होगी कि प्रोलेटेरियट्स की डिक्टेटरशिप जो है वो आ जाएगी और फिर प्रोलेटेरियट्स जो है डिक्टेटरशिप करके एक ऐसा निज़ाम बनाएंगे जो सबसे बेहतरीन होगा, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, सब कुछ तमाम लोगों के हाथ में होगा और वो अल्टीमेटली कम्युनिज्म होगा, ठीक है. तो आप ये समझ लें कि कैपिटलिज्म जो 19वीं सेंचुरी में चल रही थी ना, उसका एक रिएक्शन मार्क्सिज्म है. अच्छा, मार्क्सिज्म के बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं? सबसे पहले तो फेथ इन डायलेक्टिक मटीरियलिज्म, ठीक है. अब डायलेक्टिक से कंसेप्ट था हमारे पास हेगल का, तो लेकिन डायलेक्टिक मटीरियलिज्म में क्या है, मार्क्स ने अपनी एक मटीरियलिज्म की थ्योरी दी कि दो क्लासेस होती हैं, वो एक दूसरे के साथ स्ट्रगल में है, ठीक है. और जब इन दोनों क्लासेस का कॉन्फ्लिक्ट आएगा तो अल्टीमेटली जो सिंथेसिस होगा वो कम्युनिज्म होगा, ठीक है. बुर्जुआजीज और प्रोलेटेरियट्स का कॉन्फ्लिक्ट आएगा तो अल्टीमेटली कम्युनिज्म एक सिंथेसिस होगा. तो सबसे पहले मार्क्स का जो मार्क्सिज्म का बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि हमेशा दो क्लासेस होंगी और दोनों एक दूसरे से कन्फ्लिक्ट में होगी, डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म. देन फेथ इन हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म. अब हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म में क्या है कि चलेंगे करंट सिनेरियो में तो दो क्लासेस हैं, लेकिन मार्क्स कहते हैं करंट सिनेरियो में नहीं, आप हिस्ट्री में स्टडी करेंगे तो आपको हर एक फेज में दो ही क्लासेस मिलेंगी, ठीक है. आप सबसे पहले जो है फ्यूडल सोसाइटीज थी, उनमें आप देखोगे कि फ्यूडल लॉर्ड्स हैं और सर्व्स हैं, ठीक है. उससे पीछे चले जाओ तो आप देखोगे कि स्लेवरी है, ठीक है, एक मास्टर और दूसरा स्लेव है. और फिर आप करेंट सिनेरियो में आ जाओ तो प्रोलेटेरियट्स एंड बुर्जुआजीज हैं. तो हिस्ट्री में भी आप देखोगे कि ये दो क्लासेस हैं और इन दोनों क्लासेस के बेस में क्या है, मटीरियल है, इकोनॉमी है, ठीक है. जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो पावरफुल है और वो बुर्जुआजीज है, और जिसके पास कम पैसा है वो वीक है, वो प्रोलेटेरियट है. देन क्या है, इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म. अब इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म साफ अल्फाज में यही बात है कि इकोनॉमी जो है वो डिटर्मिन कर रही है कि क्लासेस क्या होंगी,
ये बुर्जुआजीज होंगी या प्रोलेटेरियट्स होंगी। और अगर इकोनॉमी मतलब जिसके पास वही इख्तियार ज्यादा है तो वो दौलतमंद है, और दौलतमंद है तो वो अपर क्लास है, और जिसके पास इख्तियार नहीं है वो क्या है, प्रोलेटेरियट्स है, ठीक है, वो एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। तो इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म मतलब पैसा डिटर्मिन करेगा कि आप किस सोसाइटी से बिलोंग कर, किस क्लास से बिलोंग करोगे, ठीक है, सोसाइटी के किस क्लास से बिलोंग करोगे। देन एनालिसिस ऑफ द सोशल रिलेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्लास स्ट्रक्चर एंड क्लास स्ट्रगल। अब सोशल रिलेशन का एनालिसिस उन्होंने किस बेस पे किया है कि क्लास स्ट्रक्चर क्या है और वो क्लास किस तरह स्ट्रगल में है, ठीक है। सोशल रिलेशन में क्या चीज़ें हैं कि आप किन जो है तबके में उठते बैठे हो, ठीक है। अब क्लास स्ट्रक्चर किसने डिटर्मिन की, इकोनॉमी ने, ठीक है। अब इकोनॉमी ने जब क्लास का स्ट्रक्चर डिटर्मिन कर दिया है तो एक वहाँ पर स्ट्रगल आ जाएगी। जो प्रोलेटेरियट्स हैं वो उठ के बुर्जुआजीज के लेवल पे जाना चाह रहे हैं, और जो बुर्जुआजीज हैं वो प्रोलेटेरियट्स को उनके लेवल पे मेंटेन करने की स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट में हैं। वो चाह रहे हैं कि ये प्रोलेटेरियट्स ऊपर ना उठे, बुर्जुआजीज चाह रहे हैं प्रोलेटेरियट्स ऊपर ना उठे, और प्रोलेटेरियट्स चाह रहे हैं हम किसी ना किसी तरह ऊपर उठें और बुर्जुआजीज से उनकी सारी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी स्नैच कर लें, ठीक है। देन मार्क्सिज्म में हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फिलोसफी मिलती है, थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू। अब ये सरप्लस वैल्यू भी हमने मार्क्सिज्म में डिटेल में पढ़ी थी, मैं यहाँ पे भी बता देती हूँ कि सरप्लस वैल्यू का क्या कंसेप्ट है। एक रॉ मटेरियल है, ठीक है, उस रॉ मटेरियल की जो भी प्राइस है, लेट से 100 रुपीज़ टू 100 रुपीज़, उस पर जब किसी लेबर ने काम किया, लेट से कि लेदर था, और आपने वो मार्केट से 100 रुपीज़ में परचेज किया, उस लेदर पे काम करके लेबर ने उसको एक बैग बना दिया, और वो बैग जो है वो अब मार्केट में 2000 3000 के प्राइस में सेल होगा। तो अब उस रॉ मटेरियल पे जो आपने 100 रुपीज़ स्पेंड किए, ठीक है, अब आप मार्केट में उसको सेल आउट करके जो 2000+ रुपीज़ जो भी प्रॉफिट गेन करोगे, सरप्लस वैल्यू है। तो मार्क्स कहते हैं इस सरप्लस वैल्यू पे बुर्जुआज इसका कोई भी हक नहीं है, ये तो प्रोलेटेरियट्स की हार्ड वर्क थी जिसने इसमें वैल्यू ऐड की, और उसी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट को आप सेल आउट करके बेनिफिट ले रहे हो। तो एक्चुअली में ये वैल्यू, ये सरप्लस वैल्यू, ये प्रोलेटेरियट्स का हक बनती है जो कि ये बुर्जुआज इनसे छीन लेते हैं, ठीक है। तो इस थ्योरी को एडवोकेट करते हैं कि सरप्लस वैल्यू जो है ये इनका हक है, प्रोलेटेरियट्स के, ना कि बुर्जुआज का। देन उनका फेथ है रेवोल्यूशन में, फेथ इन रेवोल्यूशन। वो कहते हैं कि आपको अगर एक अच्छा माशरा तश्कील देना है ना, तो रेवोल्यूशन आएगा, और वो रेवोल्यूशन लोग खुद से सोच समझ के नहीं लेकर आएंगे, बल्कि कैपिटलिज्म उसको खुद ब खुद ही जन्म देगा, क्योंकि ग्रोथ का और डिक्लाइन का एक पीरियड होता है इकोनॉमी में, ठीक है। तो रिसेशन जब आएगा, एक सवेयर रिसेशन आएगा एक अच्छी खासी ग्रोथ के बाद, तो क्या होगा कि सारे के सारे फैक्ट्रीज बंद हो जाएंगी, प्रोलेटेरियट्स जॉबलेस हो जाएंगे, और जैसे ही जॉबलेस होंगे तो क्या होगा कि प्रोलेटेरियट्स अब देखेंगे कि हमारे तो हालात बहुत ख़राब है, लेकिन बुर्जुआज़ीज़ बहुत अच्छे हालात में रह रहे हैं। क्यों? फिर उनके जहन में आएगा कि हमने इनको पैसा कमा कमा के दिया है, ये हमारे पैसे पर अय्याशी कर रहे हैं, ठीक है। तो अब वो फिर ना सोचने समझने लग जाएंगे कि नहीं, हमें इनसे इख्तियार छीनने पड़ेंगे। तो अब वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो रिवोल्ट करेंगे, फिर एक मुनज्जम शक्ल इख्तियार कर देगी वो तहरीक, जिसके बाद एक ब्लडी रेवोल्यूशन आएगा जिससे हर चीज़ को टॉपल कर दिया जाएगा। अब जैसे ये सब चीज़ें ऊपर नीचे होंगी, उथल पुथल होंगी, ये ब्लडी रेवोल्यूशन आएगा, तो प्रोलेटेरियट्स जो है वो सारा सिस्टम संभाल लेंगे, और वो सारे सिस्टम को अपने हाथों में रखेंगे, सारी पावर को अपने हाथों में रखेंगे और डिक्टेटर की तरह रूल करेंगे, ठीक है। तो वो फेस क्या होगा, डिक्टेटरशिप होगी प्रोलेटेरियट्स की, और प्रोलेटेरियट्स अपने हाथ में वो तमाम इख्तियार तब तक रखेंगे जब तक कि जितनी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसको अबॉलिश ना कर दिया जाए। जैसे ही सारी प्राइवेट प्रॉपर्टी को अबॉलिश कर दिया जाएगा तो क्या होगा, एक सोसाइटी जन्म लेगी जो कि कम्युनिस्ट सोसाइटी होगी, ठीक है। मार्क्सिज्म का अल्टीमेट गोल यही है कि कम्युनिस्ट सोसाइटी बनेगी। अब वो सोसाइटी ऐसी होगी जिसमें कोई क्लास नहीं होगी और कोई स्टेट नहीं होगी, ठीक है। तो इस सारे में तो अब मार्क्स के कह रहे हैं कि
ऐसी सोसाइटी जन्म लेंगी जहां ना प्रोलेटेरियट्स का कोई कंसेप्ट है ना बूर्जुआसिस का कोई कंसेप्ट है, सब एक ही लेवल पे हैं, ठीक है, और वो सब मिलके सोसाइटी की एडमिनिस्ट्रेशन खुद संभालेंगे, जो जितना काम कर सकेगा वो इतना कर लेगा, और जो काम मतलब जिसको जितनी नीड होगी वो स्टेट से या सोसाइटी से उतना ले लेगा, स्टेट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, स्टेट का सिस्टम ख़त्म हो जाएगा, लोग बस एडमिनिस्ट्रेशन चलाएंगे, और पूरी दुनिया ना एक मतलब के समझ लें कि इस तरह का सिस्टम पूरी दुनिया में कारबंद हो जाएगा और वहाँ कोई स्टेट नहीं रहेगी। तो इस तरह का कोई कंसेप्ट है मार्क्स का, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, मार्क्स ने रिजेक्ट किया है, अच्छा उसके बाद क्या है कि मार्क्स ने क्या किया, रिजेक्शन ऑफ द स्टेट एज अ क्लास ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल्ड एंड एक्सप्लॉयटेड बाय द रिच। मार्क्स बहुत अगेंस्ट है इस चीज के कि रिच क्यों सोसाइटी को कंट्रोल कर रहे हैं, वो सोसाइटी को कंट्रोल ना करें और कोई क्लासेस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो मार्क्स ने इस चीज़ को रिजेक्ट किया और फिर अपनी कम्युनिज्म की थ्योरी दी है ताकि उसमें हर किसी को एक लेवल पे जो है वो ट्रीट किया जाए। बट हम देखते हैं कि मार्क्सिज्म ने जो है ना इस तरह जो गोल्डन फ्यूचर दिखाया तो गया, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ। जिस भी कंट्री में मार्क्सिज्म या कम्युनिज्म को एक तरह से इस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई। फिर मार्क्सिज्म और प्रॉपर्टी, अब इसमें कहते हैं कि मार्क्सिज्म प्राइवेट प्रॉपर्टी के बिल्कुल अगेंस्ट थे, ठीक है, चीफ एनिमी थे। तो समझते हैं कि ना जो सोसाइटी में जितने मसले मसाइल हैं ना वो ये प्राइवेट प्रॉपर्टी की वजह से हैं, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने कहा था कि सोर्स ऑफ ऑल इवल्स इनइक्वालिटी होती है, इसकी वजह से एक्सप्लॉयटेशन होती है, पॉवर्टी ऑफ द मैसेस होती है। तो जो हॉलमार्क यानी कैपिटलिज्म का वो भी यही है, प्राइवेट प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इसको बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, किसी के हाथ में कोई चीज़ ना हो, लोग बस काम करें और इतना काम करें जिसकी वजह से वो रोटी खा सकें, ठीक है, वो घर गाड़ी और अयाशी के लिए चीज़ें ना हो, ठीक है। देन रिलीजन पर उन्होंने बात की, रिलीजन पे वो कहते हैं कि जी ये जो मार्क्सिज्म है वो सॉरी कैपिटलिज्म है ना, इसके अंदर रिलीजन को बिना एक तरह से एक आइडियोलॉजी के तौर पे इस्तेमाल किया और लोगों में प्रवेल किया गया ताकि प्रोलेटेरियट्स खुद की एक्सप्लॉयटेशन को समझ ही ना सके, ठीक है। वो एक्सप्लॉयट होते रहे लेकिन उन्हें पता ही ना लगे कि हम एक्सप्लॉयट हो रहे हैं, और इसके लिए वो रिलीजन का सहारा लेते हैं, ठीक है, कि खुदा ने ही ऐसे बनाया है, रब ने ही ऐसा किया है, और तुम्हारा मकसद यही है जीने का कि बस तुम हमारी पैरवी करो, ये हमारे लिए काम करो, हमारी मजदूरी करो, ठीक है, तुम्हें उठने का कोई हक नहीं है। इस तरह की ये चीज़ें रिलीजियस लोग जो है वो लोगों के जहन में डाल देते हैं और वो कभी समझते नहीं है कि हम जो है ना हमारी रियालिटी क्या है, कि हम या हम हमें भी इस लेवल पर आने का पूरा हक है। तो मार्क्स टोटली रिलीजन को भी कंडेम करते हैं। थ्योरी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी जो है, इनकी थ्योरी ये बताती है कि जी एक मतलब मार्क्स ने तो नहीं दी थी, लेनिन ने दी थी। लेनिन ने रशिया में जो है बोल्शेविक रेवोल्यूशन के बाद एक पार्टी की बुनियाद रखी थी जिसको उन्होंने वैनगार्ड पार्टी का नाम दिया था। उन्होंने कहा था कि मार्क्स जो है ना ये सही तरह बात नहीं कर पाए या उनकी थ्योरी इनकम्प्लीट है, उनको इस पार्टी का कम्युनिस्ट पार्टी का कंसेप्ट देना चाहिए था, क्योंकि लोग खुद से खुद नहीं खड़े होंगे या उनको इतनी सेंस नहीं आएगी, उनके बिहाफ पे कोई पार्टी होगी, कोई पॉलिटिकल पार्टी होगी जो उनके बिहाफ पे रेवोल्यूशन लेकर आएगी, ठीक है। तो वो कम्युनिस्ट पार्टी को उन्होंने कंसेप्ट दिया लेनिन ने कि कम्युनिस्ट पार्टी होगी जो वर्किंग क्लास या लेबर क्लास के राइट्स के लिए खड़ी होगी और वो रेवोल्यूशन लेकर आएगी। जैसे लेनिन की अपनी बोल्शेविक पार्टी थी तो वो लेकर आई थी रशिया में कम्युनिज्म का सारा सिस्टम। देन थ्योरी ऑफ कैपिटलिस्ट इम्पीरियलिज्म, ठीक है, तो वो कहते हैं कि ना जो कैपिटलिस्ट होते हैं ना वो इम्पीरियलिस्ट हो जाते हैं, ठीक है, वो हर चीज़ को खुद कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और अपने नीचे जो लोग हैं उनको दबा के रखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये भी जो है ना ये लेनिन ने थ्योरी दी थी इम्पीरियलिज्म की, ठीक है। अब इन्होंने ये कहा कि जो यूजुअली कैपिटलिस्ट स्टेट है ना, मार्क्स ने उनके लिए ये प्रिडिक्ट किया था कि एक ऐसा सिस्टम आएगा जिससे क्या होगा कि कैपिटलिज्म खुद ही तबाह हो जाएगा, ठीक है। मतलब मार्क्स ने कहा कि ग्रोथ आएगी, फिर रिसेशन आएगा, फिर जो है ना लोगों को पता लगेगा कि हम लोग जो है एक्सप्लॉयटेड हैं, अब हमें खड़े हो जाना चाहिए अपने राइट्स के लिए, फिर क्या होगा, रिवोल्ट होने शुरू होगी, फिर रेवोल्यूशन आएगा, फिर प्रोलेटेरियट्स की डिक्टेटरशिप आएगी, इस तरह। अब मार्क्स ने जो फ्यूचर प्रिडिक्ट किया वैसा हुआ नहीं, ठीक है, वैसा हुआ नहीं।
तो लेनिन ने इस चीज को इस तरह प्रिडिक्ट किया कि मार्क्स उस टाइम पे समझे नहीं थे कि ये जो कंट्रीज है ना, कैपिटलिस्ट कंट्रीज हैं, ये इंपीरियलिज्म का एक सिस्टम लॉन्च कर देंगे। अब इंपीरियलिज्म का सिस्टम कैसे लॉन्च कर देंगे कि दूसरे मुल्कों में जाके, गरीब मुल्कों में जाके उनको एक्सप्लॉयट करना शुरू कर देंगे और वहां से पैसा भेजेंगे अपनी कंट्रीज में, और अपनी कंट्रीज के जो गरीब लोग हैं उन उस पैसे से उनको इंसेंटिव देना शुरू कर देंगे, बेनिफिट्स देना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से जो प्रोलेटेरियट तबका है ना वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेड फील नहीं करेगा अपने आप को, और उसकी भी अपलिफ्टिंग शुरू हो जाएगी, वो भी मिडिल क्लास के लेवल पे आ जाएगा। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि उन कंट्रीज में रेवोल्यूशन नहीं आएगा जो मार्क्स ने प्रिडिक्ट किया था। ठीक है, तो ये कैपिटलिस्ट इंपीरियलिज्म का एक कंसेप्ट है कि वो जो कैपिटलिस्ट सोसाइटीज़ हैं वो दूसरी कंट्रीज में भी दूसरी कंट्रीज को एक्सप्लॉयट करना शुरू कर देंगी। ठीक है, जैसे जॉन एडम्स ने एक बुक लिखी थी वेल्थ ऑफ द नेशंस, के कॉलोनीज को एक्सप्लॉयट करना जायज़ है मास्टर जो जो भी हैं उनके कंट्रीज उनके थ्रू। तो वो सारी बात लेनिन ने फिर अपने इसमें लिखी कि वहाँ रेवोल्यूशन इस वजह से नहीं आ रहा क्योंकि उन्होंने इंपीरियलिज्म का एक सिस्टम लॉन्च कर दिया। देन थ्योरी ऑफ वायलेंट रेवोल्यूशन, अब हमें जो है मतलब हम देखते हैं कि मार्क्स ने जो थ्योरी दी थी उसमें उन्होंने ब्लडी रेवोल्यूशन का जिक्र किया था कि एक रेवोल्यूशन आएगा जो बहुत वायलेंट होगा। फिर हम ये देखते हैं कि वो रेवोल्यूशन लेकर भी आए, लेनिन लेकर आए, रशिया में जो है वो पीजेंट्स थे, वर्कर्स थे, वो सब अपने हक के लिए खड़े हो गए थे। ठीक है, बॉल्शेविक पार्टी तो उनके फ्रंट पे थी और बाकी सारे वर्कर्स उनके बैक पे थे। तो वो रेवोल्यूशन लेकर आए और एक वायलेंट रेवोल्यूशन लेकर आए जिसमें ब्लड शेड हुआ और फोर्स को यूज़ किया गया, रॉयड्स हुए, बहुत हैवी रॉयड्स हुए। ठीक है, फिर यही चीज़ हमने माओ के टाइम पे भी देखी कि वहाँ पे भी पीजेंट्स थे और वर्कर्स थे, फिशरमैन थे, वो सब रेवोल्यूशन के लिए खड़े हो गए थे। माओ की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसके समझ लें अम्ब्रेला के अंडर, तो उन्होंने काफ़ी लॉन्ग मार्च की थी और फिर जब बीजिंग पहुंचे थे तो वो लॉन्ग मार्च ख़त्म हुई थी जिसकी वजह से चांग कैशेक ताइवान से भाग गए थे। तो मतलब इसके लिए, मार्क्सिज्म के लिए रेवोल्यूशन आना, वायलेंट रेवोल्यूशन आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मार्क्स, और हम देखते हैं जहाँ जहाँ भी ये सिस्टम आया है कम्युनिज्म का वहाँ ब्लडी रेवोल्यूशन तो लाजमी आया। अच्छा जी, मार्क्सिज्म पे क्रिटिसिज्म क्या है? सुनने में ना ये बातें बहुत प्यारी लगती हैं कि हाँ जी, एक ऐसी कंट्री है जहाँ सब एक ही लेवल पे है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, फिर जिसको जितनी ज़रूरत है वो उतना ले रहा है, कोई जायदादें नहीं बना रहा, कोई दौलत नहीं बना रहा, सबके पास लेट से 2 मरले का मकान है, हर किसी के पास एक गाड़ी है, और जो है इस तरह की सारी चीज़ें। बट सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि सबको एक तरह से ट्रीट किया जा रहा है, लेकिन इमेजिनरी फ्यूचर है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, हमने जहाँ भी इस चीज़ को प्रैक्टिकलिटी में देखा है ना वहाँ लोग रहना नहीं चाहते। इवन इधर इस टाइम पे नॉर्थ कोरिया में कंप्लीट कम्युनिज्म या मार्क्सिज्म का सिस्टम मौजूद है और लोग वहाँ से भाग के साउथ कोरिया आना चाहते हैं लेकिन वो नहीं आ पा रहे। ठीक है, ये सुनने में ऐसा लगता है कि हाँ जी डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होगी और लोग बहुत तेज़ी से तरक्की करेंगे, प्रोग्रेस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है, कंट्री में जब आप इंसेंटिव ही नहीं दे रहे, बिजनेस आइडियाज़ को प्रमोट ही नहीं होने दे रहे, हर चीज़ गवर्नमेंट खुद ही कंट्रोल कर रही है, अथॉरिटेरियन हो रही है, लोगों के मतलब राइट्स नहीं है, उनकी वैल्यू नहीं है, तो अब क्या होगा कि वहाँ वो मुल्क अमीर नहीं होगा, वो गरीब होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये जो है कम्युनिज्म की वजह से, जब रशिया में कम्युनिज्म आया, यूएसएसआर बना था सारा, तो मतलब विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हुआ था कि कंट्रीज थक गई थी रशिया की जो है ना एक तरह से अथॉरिटेटिव पॉलिसीज की वजह से, उन्होंने कहा बस हमें आज़ाद कर दो। तो ये जो बाल्टिक कंट्रीज हैं, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, उन्होंने सबसे पहले अलहदगी का ऐलान किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता सारा यूएसएसआर टूटना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि वो जो चीज़ उनसे प्रॉमिस की गई थी वो हुई नहीं सही से। ठीक है, फिर इनकम्प्लीट आइडियोलॉजी है, इनकम्प्लीट आइडियोलॉजी है कि पता नहीं लग रहा क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, मतलब मार्क्स ने सारी बातें बता दी, थ्योरेटिकल बता दी, लेकिन उसको प्रैक्टिकलिटी में लेकर कैसे आना है? ठीक है, तो इनकम्प्लीट सी आइडियोलॉजी है, सिर्फ अजम्पशन पे बेस करी है। इकोनॉमी कैसे फंक्शन करेगी ये नहीं बताया, का स्टेटलेस सोसाइटी तो बन जाएगी लेकिन सोसाइटी में मतलब गवर्नमेंट ही नहीं है तो एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलेगी? ठीक है,
बातें बड़ी आधी अधूरी सी है। लेकिन उसके बाद क्या है कि अजम्पशन किया है कि इंसानी नेचर जो है ना कम्प्लीटली डिटर्मिन होती है इन्वायरमेंट से, ठीक है। इसमें हमारी जो है अपनी एक तरह से अपनी थिंकिंग का कोई अमल दखल नहीं होता, ठीक है। तो हमारी सोसाइटी डिटर्मिन करती है, हमारे सोशल पॉलिटिकल जो एस्पेक्ट्स हैं वो डिटर्मिन करते हैं कि हमारी इंटेलेक्चुअल लेवल वो कितना होगा, ठीक है। सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस जो है वो डिटर्मिन करेंगी। तो इससे क्या होगा कि ह्यूमैनिटी डिवेलुएट हो जाती है, ठीक है, और इंसानों के राइट्स वगैरह की कोई अहमियत नहीं होती। तो ये एक अजीबोगरीब सी बात है कि हर चीज़ को जब इन्वायरमेंट ने ही डिटर्मिन करना है तो आप उसके एक्शन के लिए उस बंदे को लाइबल भी नहीं कर सकते कि हाँ भाई इन्वायरमेंट ऐसा मिला था तो इस बंदे की गलती नहीं है। फिर एनार्किस्ट जो है उनका क्रिटिसिज्म है। अब उनका क्या क्रिटिसिज्म है कि वो कहते हैं कि जो है ना कि मार्क्स ने क्या किया था कि ज्यूज को कहा था कि वो बहुत ज़्यादा एंटी सेमिटिक है, ठीक है। तो अब उसके बाद उसने कहा था कि ना जो कैपिटलिज्म है वो तमाम इवल्स की जड़ है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो एंटी सेमिटिज्म क्या है कि मार्क्स पे इल्ज़ाम है कुछ जो जिन्होंने उनकी थ्योरीज को इंटरप्रेट करने की कोशिश की है कि ये जो मार्क्स का सिस्टम है ना ये शायद एंटी ज्यूइश है, क्योंकि ज्यूज ही थे वो लोग जिन्होंने कैपिटलिज्म का सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया था, ठीक है। तो मार्क्स जो है ना ज्यूइज्म के बहुत ज़्यादा अगेंस्ट थे, लेकिन कुछ इंटरप्रेटर्स कहते हैं नहीं कि मार्क्स का अपना भी वही रिलीजन था, तो हमें नहीं लगता कि मार्क्स जो है इस चीज़ के अगेंस्ट थे, ठीक है। फिर कहते हैं कि जो है वो आपको वायलेंट रेवोल्यूशन लाने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। मतलब मार्क्सिज्म का सिस्टम आपने अगर बिल्ड करना है ना तो मार्क्स के मुताबिक आपको वायलेंट रेवोल्यूशन लाना ही पड़ेगा, और रेवोल्यूशन लाना कोई आसान चीज़ नहीं होती। किसी एक इंसान की जान नहीं जाती, बहुत सारे लोग मरते हैं, बहुत ज़्यादा ब्लड शेड होता है, जिसकी वजह से मतलब कोई आसान काम नहीं है रेवोल्यूशन लाना, और मार्क्सिज्म आएगा ऐसे ही। तो क्रिटिसिज्म है। देन उसके बाद क्या कहते हैं मार्क्स की जो क्लास एनालिसिस है वो फ्लॉड है। क्यों? क्योंकि एक सोसाइटी में सिर्फ और सिर्फ मतलब इकोनॉमी के बेसिस पे क्लासेस नहीं होती, बहुत सारी वेरियस क्लासेस होती है। क्लास जो है वो लिंग्विस्टिक की बेसिस पे हो सकती है, आपके रिलीजन की बेसिस पे हो सकती है, और भी डिफरेंट बेसिस हो सकते हैं जिनके वजह से क्लासेस हो। मार्क्स ने सिर्फ और सिर्फ जो है वो इकोनॉमी को बेस बना के क्लासेस को एनालाइज किया, तो फ्लॉड है। फिर अनफुलफिल्ड प्रेडिक्शंस। मार्क्स ने कहा था कि मतलब जो बातें हम पीछे पर कर चुके हैं कि सबसे पहले जो है ग्रोथ होगी, फिर रिसेशन होगा, फिर डिक्टेटरशिप होगी, फिर कम्युनिज्म का सिस्टम आ जाएगा, फिर स्टेटलेस सोसाइटी बन जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने कहा था कि पूरी दुनिया में ऐसा होगा लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, जिसकी वजह से लेनिन को आके अपनी कुछ दो तीन और थियरीज देनी पड़ी है इम्पीरियलिज्म की और वैनगार्ड पार्टी की। तो उनकी जो प्रडिक्शन थी वो पूरी नहीं हो सकती, और उन्होंने एंड ऑफ द हिस्ट्री के हवाले से बात की थी तो वो भी पूरी नहीं हुई। फिर द थ्योरी इज नॉट साइंटिफिकली रिग्रेस, साइंटिफिक बेसिस पे भी पूरी नहीं उतरती, ठीक है। सूडो साइंस तो हमें नज़र आती है, लेकिन जब हम इसको प्रैक्टिकलिटी की तरफ लेकर आते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं था, जो हाइपोथेसिस एक्सपेरिमेंटेशन ऐसा कुछ भी नहीं है उनके अंदर, ना ही टेस्ट हो सकती थी इस तरह की थ्योरी, ठीक है। तो बस एक अनटेस्टेबल और अनसाइंटिफिक प्रोफेसी थी इनकी कि ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो एंड ऑफ द हिस्ट्री अकॉर्डिंग टू मार्क्स क्या था, ये कम्युनिज्म आएगा ही आएगा, लेकिन एंड ऑफ द हिस्ट्री ने हमें ये बताया कि कैपिटलिज्म जो है वो एक अच्छा निज़ाम है, और वही एक सूटेबल निज़ाम है लोगों के लिए, लोग उसे पसंद करते हैं, ठीक है। लोग कम्युनिज्म से भाग रहे हैं बहुत सारी कंट्रीज में, जैसे नॉर्थ कोरिया और जब रशिया में भी, जब जर्मनी को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया था और आयरन कर्टन था बीच में, तो जो है ना वेस्ट वाली साइड से लोग ईस्ट वाली साइड से वेस्ट वाली साइड तक भागने की कोशिश करते थे, रशिया से निकलने की कोशिश करते थे जर्मनी वाली साइड से, कि उन्होंने जो है कम्युनिस्ट स्टेट से कैपिटलिस्ट स्टेट में आना चाह रहे थे वो। तो जो मार्क्स प्रिडिक्शन थी ना कि एंड ऑफ द हिस्ट्री ये होगी कि कम्युनिज्म होगा, और कम्युनिज्म के बाद कोई बहुत बड़ा इवेंट होगा ही नहीं क्योंकि इससे बेहतर फ्यूचर हो नहीं सकता, तो
बेहतर फ्यूचर लोगों को शायद पसंद ही नहीं आया, तो वो चाहते ही नहीं थे कि बेहतर फ्यूचर हो, तो उन्होंने कैपिटलिज्म को प्रमोट किया। तो इसके बाद क्या है हमारे पास, कम्युनिज्म। तो कम्युनिज्म जो है ना, आप समझ लें कि मार्क्सिज्म की ही प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन समझ लें या फिर प्रैक्टिकल फॉर्म समझ लें, वही है। इसमें भी कोई प्राइवेट ऑनरशिप नहीं होती, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कॉमनली ऑन होते हैं और तमाम लोग उनको कंट्रोल कर रहे होते हैं, ठीक है। किसी के पास भी कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती, अपना कुछ भी नहीं होता, सब कुछ जो है वो सबका होता है, ठीक है। तो जब जो प्रोलेटेरियट्स हैं उनकी एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, उसको ओवरकम करने के लिए क्या होगा, किस तरह का एक सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा जिसमें लेबर के हाथ में हर चीज़ होगी, कम्युनिटी कम्युनिटी ओन करी होगी तमाम मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को, ठीक है, ओके। और इसकी बेसिस क्या होगी, इंपीरियलिज्म या नेशनलिज्म, कि आप जो है ना एक बहुत अच्छी नेशन है, आपको किसी से कर्जों की ज़रूरत नहीं है, किसी से हेल्प की ज़रूरत नहीं है, अपना बनाएं अपना खाएं, वो तो खुददारी दिखाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, या बढ़ावा देने की कोशिश करेंगे। कम्युनिज्म है, कम्युनिज्म ये सब समझता है कि तमाम मसाइल का हल यही है कि वर्किंग क्लास जो है ना वो वेल्दी क्लास को रिप्लेस कर दे, और किस तरह रिप्लेस करें, कि एक रेवोल्यूशनरी एक्शन लेकर आए, और उस रेवोल्यूशनरी एक्शन से क्या होगा कि एक नई सोसाइटी बिल्ट होगी जो कि पीसफुल होगी, और वहाँ कोई क्लासेस नहीं होंगी और कोई गवर्नमेंट नहीं होगी। तो तकरीबन मार्क्स वाली ही, तकरीबन क्या 100% मार्क्स वाली ही बात है, ठीक है, मार्क्सिज्म वाली बात है। तो कम्युनिज्म क्या आइडिया देता है, एक फ्री सोसाइटी का आइडिया देता है जिसमें कोई डिविजन नहीं होगी, कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगी, कोई ऑप्रेशन नहीं होगी, कोई स्कासिटी नहीं होगी, हर इंसान इतनी अच्छी तरीके से रहेगा, उसको जितनी ज़रूरत है उसको उतना मिल रहा होगा, और वो जितना काम कर सकेगा उतना काम कर रहा होगा, कोई क्लास डिविजन भी नहीं होगी, ठीक है। तो सब एक लेवल पे होंगे, इक्विटी की बेसिस पे यहाँ डिविजन्स हो रही होंगी, रिसोर्सेज की जो है एक तरह से तकसीम हो रही होगी, ठीक है। तो ये बात है कम्युनिज्म में। अब कम्युनिज्म में भी ऑलमोस्ट वही क्रिटिसिज्म है जैसे पहले टोटलिटेरियनिज्म, कि स्टेट हर चीज़ या सेंट्रल गवर्नमेंट हर चीज़ कंट्रोल कर रही है कम्युनिज्म में, ठीक है। तो लोगों की हर चीज़ को वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, उनको कोई इनिशिएटिव लेने की कोई इजाज़त नहीं है, कोई बिजनेस स्टार्ट करने की कोई इजाज़त नहीं है, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी रखने की इजाज़त नहीं है। इवन के जब हाइपर नेशनलिज्म और क्या कहते हैं उसको, और इंपीरियलिज्म वाला कंसेप्ट आ जाता है ना, जब सेंट्रल गवर्नमेंट हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करेगी, तो हमने नॉर्थ कोरिया में मैंने भी बात की कि वहाँ पे आप अपनी मर्जी के कपड़े नहीं पहन सकते, अपनी मर्जी की मूवी नहीं देख सकते, आपको रेस्ट करके ले जाएंगे अगर आप वहाँ पर जो है यूएसए की मूवीज देखते हुए पकड़े गए, हॉलीवुड को देखते हुए पकड़े गए, या आप जीन्स नहीं पहन सकते वहाँ पे, बाल भी अगर आपने कटवाने हैं तो नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट ने कुछ हेयर कट्स बता दिए, आपने बस वही हेयर कट्स करवाने हैं। तो एक्सट्रीमली अथॉरिटेरियन, एक्सट्रीमली टोटलिटेरियन, ठीक है। फिर पॉलिटिकल रिप्रेशन, सिंगल सेंट्रल पार्टी एज लेनिन सेड की वैनगार्ड पार्टी होगी, अब यही पार्टी हर चीज़ को कंट्रोल कर रही होती है और दूसरे लोगों को पॉलिटिकल एरेना में आने ही नहीं देती, मतलब पब्लिक ओपिनियन की कोई गुंजाइश नहीं है, क्रिटिसिज्म की कोई गुंजाइश नहीं है, पॉलिटिकल लिबर्टी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो है ना वो हर चीज़ को अपने हाथ में कंट्रोल करके रखती है, बिजनेस को और इस तरह की चीज़ें। अब जैसे चाइना एक कम्युनिस्ट स्टेट है, तो अभी रिसेंटली जो है ना जैक मा वहाँ के मिलियन बिलियन है और वो गायब है, क्यों, क्योंकि उनके उन्होंने चाइना के बैंकिंग सिस्टम के ऊपर कोई बात की थी, ठीक है। तो पॉलिटिकल जो समझ ले एरेना है ना, उसको जो लोग कंट्रोल कर रहे हैं ना वो अपने अगेंस्ट कोई बात नहीं सुन सकते, और अगर कोई करेगा तो वो चाहे कितना पावरफुल इंसान हो वो गायब हो जाएगा, ठीक है। फिर इस पे एक इशू ये है कि पर्सनैलिटी कल्ट्स, ठीक है। अब जो है एक इंसान है उस पर कोई ना कोई पर्सनैलिटी फ्लॉ है, ठीक है, और वो ही रूल कर रहे हैं, तो वो जो है ना पूरी स्टेट को नुकसान पहुंचाएगा, ठीक है। वो मतलब इश्यूज क्रिएट करेगा, उसके जो भी मेंटल डिसऑर्डर्स हैं वो उनकी बेसिस के ऊपर डिसीजन ले रहे हैं, तो सारी स्टेट को वो चीज़ें भुगतना पड़ी है, ठीक है। और अगर उसके कुछ पर्सनल डिफरेंसेस हैं किसी के साथ भी, तो अपने पावर को यूज़ करके उस चीज़ को ख़त्म कर देगा। जैसे स्टालिन है, वो स्टालिन जो है ना एक मॉन्स्टर था, स्टालिन जिसने रशिया पे लेनिन के बाद हुकूमत की है,
उसने इतने लोगों को बेदरेह मरवाया कि वर्ल्ड वॉर टू में हिटलर ने इतने लोगों को मारा होगा सिर्फ अपनी ही टेरिटरी में, ठीक है। और जिसके साथ उसका कोई कन्फ्लिक्ट होता था तो उसको वो इंतहाई ठंडे इलाके, गए साइबेरिया में वो भेज देता था, वहाँ कोई जेल होती थी वहाँ पे। तो बंदा बहुत पागल सा था। देन रिस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम ऑफ द मूवमेंट, ये हम देखते आए हैं कि जी जो जो भी नॉर्थ कोरिया है वहाँ से भी वहाँ के सिटीजन्स नहीं निकल सकते बाहर कंट्री से, ठीक है। और जब मैंने आपको अभी बताया कि बर्लिन वॉल खड़ी हो गई थी जर्मनी में, तो वेस्ट जर्मनी के लोग बहुत हैप्पी थे और ईस्ट जर्मनी के लोग बहुत सैड थे। ईस्ट जर्मनी के लोग जो है वेस्ट जर्मनी आना चाहते थे बट रिस्ट्रिक्शन थी, वो मूव नहीं कर सकते थे क्योंकि स्टेट हर चीज़ कंट्रोल कर रही थी, स्टेट बाहर नहीं निकलने दे रही थी उनको, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। फिर इम्पीरियलिज्म, हालांकि कम्युनिज्म या मार्क्सिज्म कैपिटलिज्म के रिस्पॉन्स में आया है और इम्पीरियलिज्म के रिस्पॉन्स में आया, लेकिन ये खुद भी हाईली इम्पीरियलिस्ट मतलब प्रूव हुआ है क्योंकि टोटैलिटेरियन स्टेट में एक एक ही बंदा या एक फैमिली जो है वो रूल कर रही है और अपने हिसाब से लोगों को चलाने की कोशिश कर रही है, तो इम्पीरियलिज्म और होता क्या है इसके अलावा, ठीक है। जब वो खुद रूलर बन के बैठे हैं लोगों को अपनी मर्जी से चला रहे हैं तो इम्पीरियलिज्म है। हालांकि स्टॉन्च मतलब अगेंस्ट थी इस चीज़ के, लेकिन खुद भी उन्होंने यही सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया। फिर ह्यूमन राइट्स का कोई भी पुरसान हाल नहीं है इस तरह के स्टेट्स में, कोई राइट्स नहीं आपके पास, ठीक है। आपको कभी भी आप कुछ नहीं बोल सकते, कोई लिबर्टी नहीं है, आपके कोई राइट्स नहीं है। जब स्टेट का दिल करेगा आपको उठा के ले जाएंगे, आपसे पूछताछ करेंगे, आप कुछ नहीं बोल सकते स्टेट के खिलाफ, सर्विलियंस होती रहेगी 2400 घंटे, चाइना में भी ये चीज़ है, ठीक है। तो ह्यूमन राइट्स की कोई वैल्यू नहीं होती। फिर इकोनॉमिक परफॉर्मेंस हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा कम हो जाती है कम्युनिज्म में, क्योंकि स्टेट का या गवर्नमेंट का काम स्टेट को चलाना है, बिजनेस करना नहीं है। और जब स्टेट बिजनेस करने लगती है ना तो उसको समझ नहीं आता कि कैसे संभाले, ठीक है। और फिर आपने पेड वर्कर्स रखे हुए हैं, पेड वर्कर्स को पता है कि महीने के आखिर में मुझे 30,000 तनख्वाह मिलनी है तो मिल जाएगी, या 10,000 तनख्वाह मिलनी है तो मिल जाएगी, चाहे मैं काम करूँ ना करूँ, ठीक है। तो वो हथियार डाल देंगे, वो काम नहीं करें। अब उनको देख के दूसरे लोग भी कहेंगे यार मैं क्यों काम करूं, जब मुझे भी बगैर काम किए मिल जाएगा और इसे भी मिल जाएगा तो मुझे क्या जरूरत पड़ेगी काम करने की। नॉर्मली जहाँ कॉमन ऑनरशिप होती है ना चीज़ों की, वहाँ चीज़ सबसे ज़्यादा बर्बाद होती है क्योंकि लोग एक तरफ एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं कि यार ये ठीक करा दे या ये ठीक करा दे या ये ठीक करा दे, वहाँ काम बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। जहाँ किसी एक इंसान को पता हो ना कि इस चीज़ के ख़राब होने से मेरा ही नुकसान है तो वो पहले स्टेप लेके उस चीज़ को सही करवाने की कोशिश करेगा। अब जब बिजनेस गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, लोगों को पेड वेजेस पे रखा हुआ है, तो लोगों में एक तो मतलब ना इकोनॉमी को प्रोग्रेस देने के लिए कोई इनिशिएटिव्स लेने में देने की इतना से जज्बा होगा, ठीक है ना, वो स्मॉल बिजनेसेस या स्टार्टअप स्टार्ट करेंगे। और दूसरी बात ये कि जब स्टार्टअप्स ही नहीं होंगे तो कंपटीशन नहीं होगा, जब कंपटीशन ही नहीं होगा तो कोई ग्रोथ नहीं आने लगी। दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट ने सारे बिजनेस को ऑन किया है तो कोई फैक्ट्री में कोई मशीन ख़राब भी पड़ी है तो ठीक है, ख़राब पड़ी है कोई मसला नहीं है, हमें तो पैसे मिल जाएंगे। तो वो जब एक इंसान का सरदर्द नहीं है ना तो वो सरदर्द लेगा भी नहीं किसी चीज़ के लिए क्योंकि उसको फ़ायदा नहीं होने लगा। वो चाहे कितना अच्छा भी परफॉर्म कर ले, उसको 30,000 ही सैलरी मिल रही है तो वो कहेगा दफा करो, मैंने क्या करना है इतना अच्छा परफॉर्म करके, ठीक है। फिर हम देखते हैं कल्चरल आर्टिस्टिक सेंसरशिप होती है ऐसी कंट्रीज में, तो यहाँ पे आप जो है वो कम्युनिज्म समझता है कि जो आर्टिस्टिक चीज़ें हैं या कल्चरल चीज़ें हैं ना, ये लोगों में एक तरह से ना डिस्ट्रक्शन कॉज करती है, ठीक है। और ये ओल्डर अनजस्टिफाइबल चीज़ें हैं, ठीक है, तो इस चीज़ को वो बैन कर देते हैं कंट्री में, ठीक है। तो इन चीज़ों को प्रमोट नहीं होने दिया जाता जिसकी वजह से ये फील्ड बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है ऐसी कंट्रीज में। फिर इकोलॉजिकल डैमेज बहुत ज़्यादा है। यूजुअली क्या होता है कि आप देखो कि रशिया है ना, जब इस तरह रेवोल्यूशन आया था ना तो उन्होंने बहुत सारी हैवी इंडस्ट्रीज और मिलिट्री डेवलपमेंट्स की थी, ठीक है, और स्पेस प्रोजेक्ट्स भी स्टार्ट किए थे जिसकी वजह से इकोलॉजी को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, ठीक है, इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, एयर और वाटर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया था सोवियत यूनियन में भी और उसके सैटेलाइट स्टेट्स में भी, ठीक है। चाइना में भी आप देखते हो कि बीजिंग जो है वो एक बहुत ज़्यादा
पॉल्यूटेड कंट्री सिटी है सॉरी, तो इसका एक नुकसान इकोलॉजी को बहुत ज्यादा होता है। तो हमने मार्क्सिज्म और कम्युनिज्म को पढ़ा तो है, तो अब इनके दो इनमें दोनों में फर्क क्या है? तो थोड़ा थोड़ा सा फर्क है, इतना ज्यादा कोई फर्क नहीं है। सबसे पहले मार्क्सिज्म क्या है, प्रैक्टिकल सॉरी मार्क्सिज्म एक थ्योरी है और कम्युनिज्म क्या है, प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि एक पॉलिटिकल सिस्टम है कम्युनिज्म, जो कि मार्क्सिस्ट व्यूज पर बेस कर रहा है। और मार्क्सिज्म क्या है, सिर्फ एक आइडियोलॉजी है, मार्क्स का आइडिया है, पॉलिटिकल आइडिया है। जब हम इसको प्रैक्टिकल शेप देंगे तो वो कम्युनिज्म हो जाएगा। देन क्या है, ये एक पॉलिटिकल सिस्टम है जहाँ तमाम लोगों को एक ही लेवल पर रखा जाता है और एक ही लेवल पर ट्रीट किया जाता है, किसी भी तरह की इनइक्वालिटी या एक्सप्लॉयटेशन नहीं होती। मार्क्सिज्म में क्या था कि मार्क्स ने एक ऐसा सिस्टम दिया था जहाँ पे कोई अपर क्लास या लोअर क्लास का कोई कंसेप्ट नहीं होगा। ठीक है, मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी ने सोसाइटी को कम्युनिज्म के लिए प्रिपेयर किया था। ठीक है, और मार्क्सिज्म खुद क्या है, इट इज़ अ फिलोसफी जो कि मटेरियलिस्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ द हिस्ट्री पर बेस कर रही है, कि हिस्ट्री में इस तरह की बातें होती रही हैं कि दो दो क्लासेस थी, वो दूसरे के अगेंस्ट जो है स्ट्रगल करती रही थी, और अब आने वाले टाइम में कम्युनिज्म आएगा। इस तरह की कोई प्रिडिक्शन थी इनकी मार्क्स की। ठीक है, तो ये सारा हमारा आज का टॉपिक था। इसके बाद जो है, अब हम इंशाल्लाह कल सोशलिज्म करेंगे। और आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। कोई भी कमेंट्स, कोई भी क्यूरीज है, कोई भी क्वेश्चंस है, तो काइंडली कमेंट्स में मेंशन कीजिएगा। आई विल आंसर ऑल योर क्वेश्चंस और क्यूरीज। और आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल के आइकन को दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अभी बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं जो मैंने लेकर आनी हैं, जो आपके नॉलेज में बहुत ज़्यादा इजाफे का सबब बनेगी। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।